नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं विद्यार्थियों आपके लिए लाई हूँ यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के बारे में। आपने पहले के वीडियो में यूएनओ के 5 अंगों के बारे में सुना है। कौन कौन से हैं? पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा अंग है विद्यार्थियों सचिवालय। सचिवालय का उल्लेख यूएनओ के चार्टर के अध्याय 15 में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 97 से लेकर के अनुच्छेद 101 सचिवालय का उल्लेख करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, क्या बताया था कि जो यूएनओ है, यूएनओ जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसमें 111 अनुच्छेद है और 19 क्या है विद्यार्थियों, अध्याय है। तो 15वां जो अध्याय है वो सचिवालय से संबंधित माना जाता है। अब बात आती है सचिवालय करता क्या है, तो सचिवालय को यूएनओ का प्रशासनिक अंग कहा जाता है जिसमें महासचिव सहित कई सदस्य होते हैं जो कि आपके यूएनओ से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्यवाही है, प्रशासनिक कामकाज है, उन सबको करने का कार्य सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। और सचिवालय का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब है कि सचिवालय ने अपने कार्यों का बंटवारा करने के लिए सचिवालय में 8 विभाग बने हुए हैं। कितने विभाग बने हुए हैं विद्यार्थियों? 8 विभाग बने हुए हैं। उसमें से पहला है सुरक्षा परिषद से संबंधित विभाग, आर्थिक रूप से जितने भी क्रियाकलाप है उनसे संबंधित विभाग, सामाजिक विषयों से संबंधित विभाग, न्यास परिषद से संबंधित विभाग, सूचना संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी सूचनाएं हैं उनसे संबंधित विभाग, सम्मेलन व सामाजिक सेवा विभाग, प्रशासनिक व वित्तीय विभाग और विधि संबंधी विभागों के माध्यम से अपनी कागजी कार्यवाही को संपन्न करने का कार्य सचिवालय करता है। तो ध्यान रखना है सचिवालय के कितने विभाग हो गए विद्यार्थियों? 8 विभाग हो गए। अब बात आता है सचिवालय का जो सबसे मैन मुखिया है, सचिवालय का जो मुखिया है जिसके निर्देशन में इसके सदस्य कार्य करते हैं वो है आपका महासचिव। महासचिव की नियुक्ति विद्यार्थियों 5 वर्ष के लिए किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा जो है महासचिव का चुनाव करती है और महासचिव का कार्यकाल विद्यार्थियों 5 वर्ष का होता है। और महासचिव क्या क्या कार्य करता है, आज महासचिव की भूमिका दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों बढ़ती जा रही है। तो क्या करता है, तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो महासचिव है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक रूप से जितनी भी नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य है वो किसके माध्यम से किया जाता है? महासचिव के माध्यम से किया जाता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रति। अगर हमें यूएनओ को देखना है, यूएनओ को समझना है या यूएनओ क्या क्या कार्य कर रहा है तो हमें महासचिव के क्रियाकलापों को देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यूएनओ का प्रतीक जैसे भारत का प्रतिनिधित्व करता है कौन, भारत का प्रधानमंत्री, वैसे ही यूएनओ का जो प्रतिनिधित्व करता है, यूएनओ का जो प्रतीक माना जाता है वो भी महासचिव को माना जाता है। उसके बाद है विश्व शांति में अगर खतरा हो रहा है और उसके मुद्दे को महासभा के सामने जो प्रस्तुत करता है, अगर विश्व शांति को खतरा महसूस हो रहा है, विश्व में कई ऐसी चुनौतियां आ रही हैं, तो उन चुनौतियों को महासभा के सामने प्रस्तुत करना और विश्व राष्ट्रों का ध्यान उस चुनौती के प्रति आकर्षित करने का कार्य भी
महासचिव के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, महासचिव एक कूटनीतिज्ञ होता है। आप सब जानते हैं, अगर दो राष्ट्रों के बीच में विवाद हो जाता है या विश्व राष्ट्रों में किसी बात को लेकर के मुद्दा बन जाता है, तो उसको कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से उस समस्या को सुलझाने का कार्य महासचिव करता है। महासचिव दोनों राष्ट्रों से मिलता है, उनसे आपसी बातचीत करता है और आपसी वार्तालाप के माध्यम से उनके मतभेदों को दूर करने का प्रयास करता है, ताकि विश्व राष्ट्रों में युद्ध की स्थिति पैदा ना हो सके। उसके बाद आता है विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का वक्ता। यूएनओ का जो महासचिव होता है, वो महासभा के सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता है। समस्त राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व महासचिव महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यूएनओ के अलावा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उनमें यूएनओ की तरफ से या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है यूएनओ का महासचिव। उसके बाद आता है, विश्व के नेताओं से मुलाकात करता है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं जो है करता है। किन किन देशों की उसने यात्राएं की, उसकी रिपोर्ट हर साल महासचिव महासभा के सामने प्रस्तुत करता है कि किन किन समस्याओं को उसके द्वारा सुलझाया गया है, यूएनओ के द्वारा किन विदेशी यात्राओं को किया गया, किन किन मुद्दों को उठाया गया, किन किन मुद्दों को सुलझाया गया, इस बारे में डिस्कस करता है। यूएनओ के कार्यों की समीक्षा करने का कार्य भी महासचिव के सामने किया जाता है, कि महासचिव द्वारा किया जाता है। विश्व समस्या का समाधान, विश्व के सामने अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है, तो उस समस्या का समाधान करने का कार्य भी यूएनओ के द्वारा महासचिव के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है, महासचिव यूएनओ का प्रतीक होता है, विश्व शांति या विश्व समुदाय का वक्ता होता है। कौन? महासचिव। विश्व राष्ट्रों के बीच में अगर विवाद है, तो उनको कूटनीतिक प्रयासों से सुलझाने का प्रयास करने का कार्य भी महासचिव के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद की निरंकुशता को कम करने का कार्य भी महासचिव के द्वारा किया जाता है। जो पिछड़े हुए राष्ट्र है, उनको उठाने का कार्य भी महासचिव के सामने किया जाता है। विश्व के मध्य जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को महासभा या विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी महासचिव के द्वारा किया जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। आज तक कौन कौन से महासचिव रह चुके हैं, उनकी मैंने एक सूची यहाँ पर लिखी है, एक बार देखना है और आपको इसको याद भी रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पिछले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस भी पुटअप हुए हैं। यूएनओ में महासचिव से कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो यूएनओ पढ़े तो महासचिव वाले टॉपिक्स को पढ़ना ना भूलें, और इसके लिए मेरे वीडियोस को भी आप देखते रहिए। त्रिवेणी साहब यूएनओ के प्रथम महासचिव के पद पर पहला जो बने वो त्रिवेणी साहब बने। त्रिवेणी यूएनओ का प्रथम महासचिव था, जिसने स्वयं क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। डॉग हैमरशोल्ड स्वीडन, जिनकी यूएनओ के महासचिव के तौर पर दुर्घटना में मारे गए थे, और हैमरशोल्ड कहां से थे, स्वीडन से थे। एशिया की तरफ से प्रथम महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए युथांड साहब, जो कि म्यांमार से थे। तो ध्यान रखना, पहला त्रिवेणी, दूसरा हैमरशोल्ड, तीसरा युथांड, चौथा थे आपके वाल्डिन, जो कि ऑस्ट्रिया से थे और इन 2 बार कार्यकाल के पद पर रहे। 2 बार इन्होंने कार्यकाल पूरा किया, मतलब 10 साल तक ये अपने पद पर रही। उसके बाद जेवियर पेरेज, जो कि पेरू से थे। उसके बाद आता है बुत्रस घाली, जो कि मिस्र से थे। कॉफी अन्नान, जिन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए, ये घाना से थे। कॉफी अन्नान के बाद बने बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से थे। और एक लास्ट में जो अभी वर्तमान में कार्यरत है, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों ध्यान रखना है,
यूएनओ का प्रथम महासचिव त्रिवेली जो कि नार्वे से थे, एशिया के प्रथम आ जाए तो युथांड थे म्यांमार से, और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है तो ध्यान रखना है 2017 से एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के महासचिव के पद पर कार्यरत है विद्यार्थियों। तो आज हमने ये सचिवालय पढ़ा, सचिवालय के साथ ही हमने यूएनओ के 6 अंगों के बारे में चर्चा की। आपने देखा यूएनओ कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है, लेकिन 1945 से लेकर के 2020 तक यूएनओ ने अपनी क्या क्या भूमिका अदा की वो हम देखते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आर्थिक विश्व की जो आर्थिक व सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में यूएनओ काफी कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा विश्व राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाने में, उपनिवेशवाद को खत्म करने में, नक्सलवाद को खत्म करने में, जाति भेद को समाप्त करने में यूएनओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि राजनीतिक रूप से जो विवाद है उनको सुलझाने में यूएनओ आज भी कारगर साबित नहीं हुआ है। यूएनओ अमेरिका और जो कि विश्व महाशक्तियां हैं उन महाशक्तियों पर आज भी आर्थिक रूप से निर्भर है, तो कई राजनीतिक मुद्दों पर यूएनओ एक स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाता है। लेकिन यूएनओ की भूमिका को कह सकते हैं कि यूएनओ ने अपनी भूमिका अदा की है, लेकिन आज भी परमाणु निशस्त्रीकरण के मामले में कौन मौन है, यूएनओ ने अपनी भूमिका अदा नहीं की है। परमाणु और निशस्त्रीकरण के बारे में यूएनओ के जो कार्य थे उनको हम कारगर नहीं बोल सकते, क्योंकि आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको यूएनओ नहीं सुलझा पाया है। आगे के वीडियोस में मैं यूएनओ की जो एजेंसियां हैं, जो अन्य संगठन हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यूएनओ ने अपनी प्रभावी भूमिका अदा की है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूएनओ की विभिन्न एजेंसियां। आज के वीडियो में जो हमने सचिवालय पढ़ा उसमें आपने महासचिव और जो ये आपके महासचिव मैंने आपको लिखे हैं इनको आपको एक बार जरूर पढ़ना है, बार बार इसको पढ़ना है, मेरे वीडियोस को देखना है, ताकि आपको यूएनओ के 6 अंगों के बारे में जो मैंने डिस्कस किया वीडियो में उन सब से आप यूएनओ की सारी संरचना को समझ सके, जान सके। तो मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर जुड़े रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सको और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनको क्रैक कर सको और सफलता हासिल कर सको। धन्यवाद।